नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उषा की किरण में। मेरे ख्याल से दोस्तों YouTube के ऊपर पहला वीडियो है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं महिंद्रा की बुलेरो मैक्स पिकअप HD मॉडल का इसके सिटी मॉडल के साथ में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन को लेकर के दोनों गाड़ियों के अंदर क्या अंतर है, हर चीज़ को कवर करेंगे। तो दोनों गाड़ियाँ हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर हम फ्रंट से शुरुआत करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि बुलेरो का जो सिटी मॉडल है इसके सामने की साइड में आपको ग्रिल वैसे ही दिए जाते हैं जैसे कि HD मॉडल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी अंदर ये जो हिस्सा है इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा वेंटिलेशन दिया है, यानी कि इन होल के माध्यम से भी आपकी हवा इंजन तक शुद्ध जाएगी। महिंद्रा का लोगो आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। लाइट आपके जो है हेलोजन वाले ही रहेंगे कॉर्निंग लाइट के साथ में। विंडशील्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मैं दूर से दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे कि महिंद्रा HD मॉडल का जो विंडशील्ड है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिया गया है, वहीं अगर हम बात करें इसके सिटी मॉडल की तो ये थोड़ा सा आपको छोटा मिलेगा देखने में, मतलब थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सीटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोनों ही गाड़ियों के केबिन के अंदर तीन लोगों के सर्टिफाइड बैठने की व्यवस्था आपको मिलेगी। स्टील बम्पर यहाँ पर भी है, स्टील बम्पर यहाँ पर भी है, फोग लैंप यहाँ भी लगा पाएंगे, फोग लैंप यहाँ भी लगा पाएंगे, तो करने का हुक दोनों गाड़ियों में आगे है। अब हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के टायरों की। तो HD के अंदर आपको मिलता है 16 इंची का टायर और सिटी के अंदर आपको मिलेगा 15 इंची का टायर। सस्पेंशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको कमानी पट्टे का सस्पेंशन दिया गया है। HD में आपको आगे मिलेंगे 7 पट्टे, पीछे मिलेंगे 10 पट्टे। सिटी की बात करें तो आगे मिलेंगे 7 पट्टे, पीछे मिलेंगे 8 पट्टे, यानी कि 2 पट्टे पीछे की साइड में कम कर दिए। भाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों का पेलोड भी अंतर करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 1700 kg और 2000 kg तक का पेलोड वेरिएंट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 1300, 1400 और 1500, यानी कि इस तरह के पेलोड के साथ में आप सिटी वेरिएंट को खरीद सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 2523 cc का 4 सिलेंडर इंजन, जिससे आपको 80 HP की पावर और 220 Nm का टॉर्क मिलेगा। वही सेम इंजन आपको यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन इस इंजन से आपको 70 HP की पावर मिलेगी और 200 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। तो थोड़ा सा जो है पावर के अंदर यहाँ पर जो है डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम गाड़ी के केबिन की बात करें तो दोनों में फुटपैड मिलेंगे, ये भी फुटपैड है और ये भी फुटपैड है। दोनों के डोर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि दोनों के डोर के ऊपर आपको ग्राफिक्स दिए गए हैं। मैक्स पिकअप की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है, मैक्स पिकअप की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है। गाड़ियों के अंदर आपको IMEX टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि आप अपना फ्लीट मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। अब जरा हम केबिन के पास आ जाते हैं। HD वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको तीन लोगों की जगह दी गई है, ड्राइवर एंड दो लोग। यहाँ पर आपको फैब्रिक की सीट मिलती हैं और यहाँ पर अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड भी आपको सेम मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है ब्लोअर जो है वो मिल जाते हैं कंपलसरी। ये ब्लोअर का ऑन ऑफ करने का नॉब है। मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगा दोनों गाड़ियों में, 5 स्पीड आपको ट्रांसमिशन का गियर शिफ्ट लीवर है। अब अगर हम एक और अंतर की बात करें तो HD वेरिएंट के अंदर आपका बैटरी का ऑन ऑफ करने का स्विच है वो दिया गया अंदर। वॉक थ्रू स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। स्लाइडिंग विंडो है, केबिन लाइट है, सनवाइजर है, IRBM है, सेफ्टी एयर बेल्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको HD मॉडल के अंदर मिलती हैं। अब दोस्तों सिटी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सिटी के अंदर भी आपको उतना ही स्पेस मिल रहा है, ड्राइवर और दो लोग, हेडरेस्ट मिलेंगे, विंडो मिलेगा, लाइट मिलेगी, हेडरूम आपको लगभग वैसा ही मिल जाता है। डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो वही हैंडल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लोअर इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं। लॉकेबल ग्लोबॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आपका बैटरी का ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका 5 स्पीड ट्रांसमिशन का छोटा सा गियर शिफ्ट लीवर आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। ड्राइवर की जो सीट है इसका हाइट एडजस्टमेंट, आगे पीछे और रिक्लाइन मूव करने का दोनों ही गाड़ियों में आपको सुविधा दी गई है। सनवाइजर भी दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सारे के सारे फीचर आप जो है किसी भी मॉडल के अंदर ले पाएंगे। अब हम बात करें इनकी कार्गो बॉडी को लेकर के, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको 1300, 1400, 1500 इस तरह की कार्गो बॉडी दी गई। तो इसकी लंबाई है 8.5 फीट x 4.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई मिलेगी। वहीं अगर हम इसके मैक्स पिकअप की बात करते हैं HD मॉडल की, तो इसके अंदर आपको 10 फीट की डाले वाली लंबाई मिलेगी। इसके अंदर आपका पेलोड मिलता है 1700 से लेकर 2000 तक का। इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी लगभग 6 फीट के आसपास की। अब दोस्तों हम गाड़ियों को अगर पीछे से देखें तो पीछे का भी अंतर आप देख सकते हैं कि HD मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये वाला जो बम्पर है ये दिया है। वहीं अगर हम सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको वो बम्पर नहीं मिलता, हालांकि आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं और इस साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 दिए हैं।
टेल लैंप आपको सेम मिलेंगे, नए एलईडी के साथ में आने वाले। महिंद्रा की ब्रांडिंग यहाँ भी मिलेगी, महिंद्रा की ब्रांडिंग आपको यहाँ भी मिलेगी, रिफ्लेक्टर टेप भी मिलेगा। लेकिन इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी जो हाइट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है सिटी पिकअप की तुलना में, क्योंकि दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का जो पेलोड है, दोनों ही गाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करता है। साइड में सेफ्टी ग्रिल आपको एचडी मॉडल के अंदर दिया गया है, सिटी मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी ग्रिल नहीं मिलता है। कमानी पट्टी का सस्पेंशन दोनों गाड़ियों में है, आगे 7 पीछे 8 सिटी में मिलेंगे, एचडी में आगे 7 और पीछे 10 कमानी पट्टे एचडी मॉडल में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने यहां पर इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही गाड़ियों का एक कंपैरिजन कर दिया है। दोनों महिंद्रा की गाड़ी है, अभी हाल ही में इनको लॉन्च किया गया है। इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करते हैं तो 8.5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये के आसपास के ऑन रोड कीमतों में आप इसके सिटी मॉडल के किसी भी वेरियंट को परचेज कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें एचडी मॉडल की, तो यहाँ पर आपकी कीमत पड़ती है लगभग 10.5 लाख रुपये से लेकर के 12 लाख रुपये के आसपास की ऑन रोड कीमतों में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। इससे आपको माइलेज मिलेगा लगभग 17.2 किलोमीटर का और इससे माइलेज मिलेगा आपको लगभग 15 के आसपास का। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में शेयर करें। गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव के लिए आप सौम्या महिंद्रा, जो कि इंदौर में इनके शोरूम है, विजयनगर, राजेंद्रनगर, महू, वहां पर जाकर के दोनों ही गाड़ियों को और भी बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, उन सभी को खरीदने के लिए आप विजिट कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों काफी मेहनत के बाद में इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपका एक लाइक तो अवश्य बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट हैं, सुझाव हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उषा की किरण, हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है और यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पर जाकर के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।